I was literally conned into this entire situation. 67 होता है टोटल. हम लोग शादी की शॉपिंग कर रहे हैं. आई एम सो हैप्पी होल्डिंग दिस इन माई हैंड. यू ऑल हैव नो आइडिया बिकॉज दिस होटल सडनली स्टॉप्ड अस फ्रॉम शूटिंग. Hi, what's up, you guys? Welcome back to another episode of Hustle with Sarve. You and I, we hustle together. अभी सच्ची में बहुत हसल करने की जरूरत है because इतनी गर्मी है और ईद के बाद से जो मेरे ACs ने प्रॉब्लम दिया है, जो आपने देखा था, और मैंने आपको तभी भी बोला कि एक AC मेरा रेंट पे था और ये AC मेरा सेकेंड हैंड ऑफ सॉर्ट्स था ये स्टूडियो रूम का, और दोनों भी मैंने ये एक बंदे से लिया था जिसने मेरे को एब्सोल्युटली कॉन किया ये सिचुएशन में. मैं इंस्टाग्राम पे भी जाके बहुत रेंट कर चुकी हूँ बिकॉज कल मेरी जिंदगी का बोल सकते हैं 2022 का सबसे पनौती दिन. ईद पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई, फिर दो दिन मैंने काम बंद रखी थी बिकॉज ACs वर लाइक यू नो बीइंग रिपेयर्ड, फ्यूज, द इलेक्ट्रिकल वायरिंग ऑफ माय हाउस, एवरीथिंग वाज बीइंग रिपेयर्ड. यस्टरडे ही सेंट द गाइज ओवर टू गेट इट चेक एंड दैट गाय इज सच अ ओके फॉर ऑल द पीपल हु डोंट नो, आई विल जस्ट गिव यू अ क्विक जिस्ट. तो जब मैं घर में मूव हुई थी तभी आई डिड नॉट हैव दैट मच मनी कि मैं तीन नए ACs ले सकूं, ये 2 BHK हॉल, बेडरूम एंड स्टूडियो रूम के लिए. तभी मैंने दोनों भी ACs रेंट किए थे, स्टूडियो रूम एंड बेडरूम वाला. एंड रेंट पे ACs मिलते हैं, इट्स डेफिनेटली अ थिंग इन मुंबई. एंड मैंने ये बंदे से लिया बिकॉज उसने एक बार हमारे घर में, मतलब नीचे वाले घर में, सर्विसिंग का काम किया था मॉम डैड के घर में, एंड ही वॉज नाइस, सो आई थॉट ही विल डू अ गुड जॉब. बट ओ माई गॉड, हैज ही गिवन अस ट्रबल एंड हाउ. Throughout the entire process of making this home, he was the only serviceman who messed up everywhere. Like that rental AC in the 8 महीना जो मैं ये घर में रखी हूँ, 4 बार मैंने चेंज करवाया वो रेंट वाला AC, और ये AC इतना खराब था और मेरा काम रुक जाता था स्टूडियो रूम का, तो मैंने उससे खरीद लिया. He was like, मैम मेरे पास बहुत सारे यूनिट्स हैं, मेरे पास अच्छे अच्छे यूनिट्स आते हैं, हिताची का यूनिट है, सिर्फ डब्बा खुला हुआ है, बिल्कुल यूज नहीं है, ये वो करके उसने एक चिपका दिया. 31,000 का मैंने AC खरीदी थी उससे, एंड वॉट अ हॉरेबल AC. आई वॉज लिटरली कॉन्ड इन टू दिस एंटायर सिचुएशन. वो AC ने कभी भी ठंडक नहीं दी, सिर्फ हवा फेंकता था, इतनी आवाज करता था मेरे शूट्स वगैरह में. यू कैन सी हाउ हॉट आई फील. आई एम अ वेरी हॉट पर्सन, आई एम अ हॉट पर्सन, मुझे बहुत गर्मी लगती है इन जनरल. ये AC ने तो पूरा पानी टपका के मेरा IKEA का फर्नीचर भी पूरा फुगा दिया. ये सब की भरपाई तो परफेक्ट भरपाई, लाइक ही जस्ट लाइक यू नो आई एम सो डन विद हिम एट दिस पॉइंट. एंड टर्न आउट ना, मुझे पहले लगा कि शायद सब रेंटल ACs ऐसी होते, इतना फर्स्ट क्लास सर्विस नहीं मिलेगा, एकदम मतलब AC मिलेंगे रेंट पे, व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट. बट जब मैं लॉन्च पार्टी, इम्पल्स की लॉन्च पार्टी हो रही थी, तभी आई रेंटेड हॉल का AC फ्रॉम अ डिफरेंट गाय ऑल टूगेदर बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट डील विद दिस फेलो एनी मोर. एंड एट दैट टाइम दिस गाय हु डिड माई हॉल का AC, 2 टन का AC है, क्या कूलिंग है मेरा हॉल का, इतना सरफेस एरिया कवर करना होता है, मेरा हॉल, लिविंग रूम, किचन एंड डाइनिंग एरिया, यू हैव cover everything and the passage, there are no doors in between, right? That AC cools like nobody's business. 24-26 पे भी इतनी कूलिंग होती है, वो बंदे को आज तक मुझे बुलाना नहीं पड़ा, नथिंग, ना पानी आया, ना आवाज आती है, ना कुछ, इतना अच्छे से चलता है वो AC, और वो दिखता पुराना ही है, रेंटल AC है. और मुझे वापस रेंट ही करना था, मैंने वो अंकल को कॉल करके पूछा कि अंकल आपके पास कोई और ACs है, बट ही इज इन हिज होम टाउन, ही इज गोना कम ऑन 25th एंड ही डजंट हैव एनी ACs ऑन रेंट एट द मोमेंट. देयर इज अनदर AC गाय ऑल्सो हु आई नो हु इज गुड, हु आई हैड गॉटन माय अर्बन क्लैप वंस, हु आई चेक्ड माय हिताची AC फॉर मी एंड टोल्ड मी कि मैम आपको उसने चूना लगा दिया है, वो AC जूना है, वो AC नया नहीं है, उसका कंप्रेसर 6 महीना यूज्ड है. तब मेरे को पता चला कि दिस गाय हैज कॉन्ड मी. बट या दैट गाय आल्सो डजंट हैव ACs ऑन रेंट राइट नाउ, सो नाउ आई हैव जस्ट डिसाइडेड कि मैं AC खरीदने वाली हूँ. फाइनली मैं वो खर्चा कर लूंगी कि अभी मुझे खरीदना पड़ेगा. तभी पैसा नहीं था तो हमने काम चला लिया. मैं कल रात को हॉल में सोई हूँ, आज भी मुझे हॉल में सोना पड़ेगा. और आप ये AC देख सकते हैं, दिस इज लाइक, इट लुक्स ओल्ड राइट, इट लुक्स ओल्ड बट इट वर्क्स एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम अच्छे से काम करता है. 3 इलेक्ट्रिशियन आके मेरा फ्यूज ठीक करके गए, जो 2 AC ने, जो इतना, एक AC ने इतना प्रॉब्लम क्रिएट किया. तो अभी हम जा रहे हैं एक बार क्रोमा, कोहिनोर, ये सब जगह नजर मारते हैं, प्राइसेस वाइसेस देखते हैं. मैंने वैसे अमेजोन पे भी प्राइसेस फाइंड आउट किए टू जस्ट गेट एन आइडिया कि ऑनलाइन कितने का मिल रहा है, तो फिर जो भी मतलब सस्ता होगा आई विल रोल विद दैट. एनर्जी सेवर वाला ही खरीदना है बिकॉज अब AC खरीद रहे तो बिल तो ज्यादा नहीं भरूंगी. 2 AC लेने के लिए तुम लोग सब निकले हो, फज, ईशान, सब लोग निकले AC लेने के लिए. What are you doing like this? This is the Korean sign for heart. He did that so good. He doesn't know. क्रोमा अभी पास हुआ, क्रोमा में से हमको नहीं लेना है बिकॉज उधर कुछ ऑफर था नहीं. रिलायंस डिजिटल और कोहिनोर ऐसा आस पास बाजू बाजू में है. वो अंडर आर्मर खुल गया इधर है कुछ भी, अब भी आया है ये शो, एडिडास और ये दोनों अब भी आया. सबरी ने बस स्टॉप है आगे आगे ले पटा इधर नीचे, इधर पार्किंग का बहुत लफड़ा है यार. हाउ कम, व्हाट द हेक.
What a coincidence. What kind of a coincidence is this? हम लोग शादी की शॉपिंग कर रहे हैं. What? अच्छा, मुझे बोला भी नहीं. ये क्या बात हुई? Come to see a tower fan. Fan? Yeah, so it's hot. So I want to keep it. You have come to buy AC. It's so hot. You that's come to buy AC. Yeah, and both my AC. What do you want now? I thought you all buy me this. Yeah, yeah, yeah. I mean, boy. This is the best, bro. Put it on and see. It's 10x better than an AC. Bro, stand in front of it. You don't like this? Dude, look at this. You're actually selling me a fan. I've come to buy 2 ACs. My house has no AC, you know. Tell me you can't buy anywhere else. Just because it's AC, yeah. Yeah. Oh god, this is literally like AC heaven. Everything is there. ये 4-star है. क्या बेटर है, डाइकिन बेटर है कि वोल्टास बेटर है? वोल्टास डाइकिन बेटर पड़ेगा. वोल्टास से इसमें कंपेयर करेंगे पावर पावर के अंदर पावर ज्यादा तो इसमें पड़ेगा कि इसमें 3-star है तो 5-star का ऑप्शन भी चाहिए. वोल्टास में 5-star ऑप्शन है ना? 42 ऐसा तो बोलने का प्राइस है ना. बोलने का प्राइस है ना? खाली बोलने का प्राइस है. ओके देन. तुम एसी लेने आए हो, तुम अभी टीवी देख रहे हो. हां ये कर लो पहले. ये डिस्ट्रैक्टर 270 फुट होएगा. टीवी ले रहे हो तो वो लो ना फिर. गो बिग और गो. नहीं नहीं रहा हूं मैं, खाली इंक्वायरी कर रहा हूं. कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर. तो मेरे को जो लेने का है वो तो खत्म करो. तो रहा आ गया कार्ड का. हाँ? जाके पेमेंट कर. किधर? फिनिश बिलिंग इज रेडी. अच्छा ओके. 67 होता है टोटल. कितना था? 30,500 इशू. प्लीज डोंट ग्रो अप, एडल्टिंग इज वेरी डिफिकल्ट. बैठे बैठे 68,000 का फटका लग गया मेरे को. I want the Alexa वाला मार्शल, दिला देना मेरे को. इशू, शी वांट्स अलेक्सा वाला मार्शल, यू बाय इट फॉर हर. ओके, 150 रुपया देगा. ये वाला है, मैं बेडरूम के लिए लूं. 21,999 का है ये, बट विद अलेक्सा इनबिल्ट. ये ले लूं बेडरूम के लिए? नहीं नहीं, गजब बेइज्जती है. चलो अभी चल चल, अभी क्या करने दो. गाना सुन. बेडरूम में टाइम है? स्पीकर टाइम है पर बेडरूम में अभी एसी भी नहीं है. वैसे टाइम है मेरे पास, रात को गाने सुन सकती हूं. तुम मेरे को सुनने नहीं देते. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, हम सब schedule kar rahe outfits around us. We need all this for shoot. Faj is sleeping aur of course mera buriya bistar leke main hall mein baithi hu. This is the only AC working. My ACs will come on Monday. Finally. Yes. Ishan has come here. Now Faj is chasing him ke now you've come to my kingdom. Now also you're dominating. Yes Faj, he's gone in your room. See, he's gone in your room. Oh my goodness. That is Faj's bed, Ishan. My son, my shooty putty baby, cutie baby. Trash is trash. No, don't call him trash. Should I call Fajja trash? Hello, when he was small and he gave you trash, no, you all actually called him trash. And now I'm not allowed to call this trash trash. No. Now see, yeah, now his blanket is coming. Now give me. Take Masi. Chal Masi, take. Bye, shubai. Love to make him cry. And like, oh dude, I love this tonic water. It's so tasty. Even if you don't drink like gin, you can just. ये pink वाला है ना? It's actually pink, but I don't know why it's looking so clear. But this is so tasty, so tasty. Just have it by itself, like just have it as if like you have thumbs up or something. It's $95. It's cheap and it's very tasty. It's delicious. I love it. This is like for the days I'm not having alcohol, and tonic water is like a staple. We're sucked. For Friday night, Fudgy, are you excited? Look at Fudge's new tag. I got one for Chloe also, and I got one for Fudge. Look at this, so cute. We've got our nutcut hazelnut in the house. रात के सवा ग्यारह बज रहे, सवा ग्यारह बज रहे. सवा ग्यारह नहीं बज रहे. कितने? पौने बारह. मुझे टाइम में प्रॉब्लम है गाइज, हिंदी वाले. बट जो भी, इट्स क्वार्टर टू 12 एंड माई नटखट हेजलनट हैज अराइव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एवर. ये फर्स्ट हमारे लेबल के साथ है. अब तक मेरे पास सिर्फ टेस्टर्स, मतलब फाइनल वो थे, बट ये सिर्फ जो SSS में आए हैं वो है. वेयर हाउस में कल आएंगे बाकी का गुड. Let's take a baby where it belongs.
I'm so happy holding this in my hand. You all have no idea how long I've waited and worked on this flavor. This has been like a tough nut to crack, and I think very aptly so. You all have named it Nut Cut Hazelnut. Ye naam bhi humko Sara Squad se aaya hai, and the bottle looks gorgeous. It's a yellow color, and you know how much I love yellow. I'm very excited for this launch. I think by the time this vlog goes live, definitely Nut Cut Hazelnut is available on the website to shop. So agar aapne nahi kharida hai, trust me, this is going to be the best hazelnut coffee you will try in a jar. Matlab cafe ki coffee ko maat de dega ye. I can literally assure you that, and I'm so excited for this flavor. We're just chilling now. We're going to call it a Friday night. Maine bahut bahut zyada kaam kiya ye week pe, and it's going to be a working Sunday for me. I will take you all through my Sunday. Kal thoda rest sa din hai because dadi ka 40th hai kal, to maine bilkul kuch kaam nahi liya. But parso I have a heavy shoot day, and my skin mashallah se is behaving, and I'm keeping it super simple in the summers. It's very hot out there, super humid. Jaise bahar niklo na paseena ho jati hai skin, to main din ke time pe to bilkul like avoid hi karti hu kuch bhi lagana, but raat ke time pe also I wanted lightweight and healing for my skin. So the one shot solution and moisturizer I've been using is the Dot & Key Cica Calming Renewing Night Gel. This is brilliant stuff, you guys. By looking at how much of this product I've actually consumed, you can understand how much I love it. It's super lightweight and gel like texture. Isme cica hai, and that's a very famous ingredient to calm your skin down. So if you have sensitive, oily, acne prone skin, aapko iske bare mein har ek cheez achhi lagegi. Iska texture itna lightweight hai, bahut gel like, bahut cooling and calming hai skin ke liye. Sath hi sath the ingredients in this are brilliant. There is green tea tree and aloe, very calming ingredients, and you know tea tree bahut acche se kaam karta hai acne aur acne marks ke liye. So it's like healing treatment for your acne while you sleep. It's like a perfect night mask. Aur kuch bhi nahi laga rahe ho aap, serum nahi, toner nahi, zyada 7 step skincare routine karne ki zarurat nahi hai. Just this one moisturizer is good to go. I like to take a really thick layer of this and like apply it like a mask, so my skin really heals. Additionally, there is a combination of hyaluronic acid and colloidal oatmeal and ceramides, so the hydration that this moisturizer gives you, trust me, it's like nothing else. Like summers mein we feel ki humari skin ko hydration nahi chahiye, but it needs that. It needs moisture, it needs moisturization, but aise tarike mein ki wo aapki skin pe zyada chipchipa feel na kare, aur ye to fat se absorb ho jata hai, to bilkul chipchip nahi lagta. Itna thick layer of moisturizer lagane ke baad bhi skin mein easily absorb ho jata hai, fat se drink kar leti hai skin sara moisture. And just this is what I need before bed when I wake up in the morning. I love how my skin looks. I only recommend products that work for me, and I genuinely love and use this so much that I think you'll definitely must give it a shot, especially oily acne prone skin type. You all are gonna love this hands down. Iska link main description box mein chhod dungi, so don't forget to check it out. Aur mera code bhi hai Dot & Key ke sath, it's sara10. So if you use that on their website, then you will get an additional 10% discount. I also would like to thank Dot & Key for partnering with me for today's video. The next day, you all will not believe the time, you guys. It's the next day. It's the day of my dadi's 40th. Pura din main udhar busy thi. और अजहर अभी ये टॉप्स लेके आए, ब्लाउजेस लेके आए, तो ही टुक इट इन द इवनिंग एंड ही ब्रॉट इट एट दिस टाइम. एंड ऑनेस्टली लाइक दैट टेलर इज सो डेडिकेटेड, आई कांट इवन विद यू ऑल. इट्स बीन सच अ क्रेजी डे यू गाइस. इट्स क्वार्टर टू वन एंड डाउनलोड कर रही हूँ पहले ईद का व्लॉग जो मेरी एडिटर ने भेजा है, उसको स्क्रीन करके फिर अपलोड एंड स्केड्यूल कर दूंगी, क्योंकि कल संडे मेरा यूट्यूब वीडियो का दिन है. आज मैंने अपने आप को छुट्टी दी थी ताकि दादी के 40वें पे आई कैन be there full day at home at least as much as possible. Did not happen. Like I had something or the other just keep coming up from morning, because Nut Cut Hazelnut is going to be a new launch, and we are having a new team. Like both my social media manager and my head of operations are going to be new now. It's been difficult to say the least. So basically pehle aisa ho raha tha ki sari hi team Sara Sarosh ki aur Impulse ki ek hi thi, aur itna kaam ho jata tha, aur sab ye bhi kar rahe. It's not easy. Like blogger ki life mein, youtuber ki life mein kabhi chutti nahi hoti. Aaj apne aap ko chutti deke bhi kuch chutti mili nahi. Sham ko jab sab mehman aaye tabhi I went down when the full family was there to be there in the 40th, but I was constantly getting calls that time also. Everything's been way too much, like to the point that
मेरे से भी नहीं हो रहा है बिकॉज दिस वीक हैज बीन जस्ट सो हेक्टिक एंड सो चैलेंजिंग कि मैं सच्ची बोल रही हूँ मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा लोअर हो गया है मालूम है बिकॉज इट्स नॉट बीन इजी मेंटली ऑल्सो ऑन मी सो फार आई वाज स्टेइंग रियली स्ट्रांग एंड यू ऑल नो आई स्टे स्ट्रांग थ्रू द हार्डेस्ट ऑफ टाइम्स एंड आई ट्राई टू मोटिवेट माई सेल्फ बी पॉजिटिव एंड यू नो जस्ट लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स इन एवरीथिंग बट ये हफ्ता मुझे कुछ सिल्वर लाइनिंग दिख ही नहीं रही थी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ही होते जा रहे थे एंड आई वाज फीलिंग वेरी lonely it's been very difficult to remove this feeling out of my head that lonely empty feeling that I've been getting I don't know why or how to explain it but irrespective tomorrow I have a really really heavy shoot day bahut sara shoot karna hai bahut bahut hectic hone wala hai already know it isliye mujhe sona hai fatafat se kaam wrap karke main so rahi hu ho gaya video download so I really hope I can like sleep by 1 o'clock I have to wake up at 8 genuinely this is going to be my last week of hustle After this, I'm gonna take a break. I just need a break. Like, मैं छुट्टी पे जाने वाली हूँ मैं जो भाग के छुट्टी पे जाने वाली हूँ ना guys. I love this city. I love the hustle. I love everything. But sometimes you just hit that point where you're just like, I can't do this anymore. And I feel like right now my point has come. Wherein now I need to launch Nut Cut Hazelnut. Leave it for y'all to enjoy and just go. Go away, run away for some time. The next morning. Hectic shoot day has begun, you guys. We have Kaki in the house again doing my hair. Of course, Anupriya's here. Hello! Loudest person in the room. सब लोग नींद में है आधी नींद में तो कैसे नींद में नहीं है वी हैव अ लोकेशन शूट इट्स गोना बी सुपर हेक्टिक सुपर लॉन्ग मतलब मैं कल रात से ही इसके बारे में सोच सोच के मुझे थकान हो रही थी ब्रेकफास्ट विद अ व्यू आई डोंट वांट ये दुख का खत्म नहीं होता बे यू गाइस आई एम सो पफी एंड टायर्ड फ्रॉम यस्टरडे बट आई एम सो एक्साइटेड फॉर टुडे और हैविंग अ शूट डे आफ्टर माय बर्थडे ऐसा वाला तगड़ा हेक्टिक तो वो मैक्रोन आ जाएगा तो बोलता डेप्थ नहीं मिलेगा मुझे एक बात बताओ बोल अगर तुम इधर बैठोगे इतना स्पेस में तो शूट नहीं कर पाएंगे ना मैं तो उधर बैठने नहीं बोल रही हूँ उसको मैं उसको बोल रही हूँ इसको ऐसे बीच में लाके वो झाड़ खींच सकते हैं जो स्पेस चाहिए ना शूट के लिए उसको उतनी स्पेस चाहिए जिधर वो है वो तो बीमा आ गई ना दीवार आ गई उधर थोड़ी पीछे चाहिए नहीं पॉसिबल पीछे थोड़ा सा साउंड ही देखना है तेरे कैमरा स्किल्स पे डाउट नहीं है तेरी ऑडियो स्किल्स पे बहुत डाउट और एक तो मुंबई की हीट में मतलब आज हमारा पूरा आउटडोर शूट है आई नो ओनली कि मेरे बाल खराब होने वाले दिस इज द फर्स्ट टाइम कि शूट के लिए मेरी डिक्की भर गई मेरी बैक सीट भी भर गई है डिक्की बैक सीट एवरीथिंग और अभी भी हाथ में सामान है फजल ऑलरेडी गॉट इट फजू वेयर यू कमिंग यू नो डॉग्स आर नॉट अलाउड नो इन द होटल बाबू वेयर यू कमिंग व्हाट टू डू मामा हैज टू वर्क नाउ ऑन संडे व्हाट डिड यू शनो सो आई हैव टाइड माय हेयर अप इन अ बन दैट्स द रीजन आई कॉल्ड द हेयर स्टाइलिस्ट आंटी बिकॉज फ्रिज इज गोना बी अ ह्यूज इशू आज के दिन बट अभी बाल बंधे हुए और हर लेवल पे वो थोड़े थोड़े खुलेंगे हर शूट के साथ यस यस थैंक यू समोसा समोसा खमन ढोकला वेलकम टू गोरेगांव और मलाड के बीच गोरेगांव और मलाड का बीच नहीं है गाइस ये मलाड है यार अब तो मलाड पहुंच गए मलाड नहीं पहले भी मलाड देखिए सब क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और हम शूट करने जा रहे हैं तो ठीक है सब अपने मजे कर रहे हैं हम अपने मजे कर रहे हैं हम भी शूट करने होटल जा रहे हैं रास्ते पे नहीं घूम रहे एटलीस्ट उस दिन के जैसा कम ऑन अनलोड I really hope you'll have not missed any lehenga. ये सब लेने लगा हो ना We've come back to the retreat where we shot during my birthday. So, heavy shoot day. ये वाला I think बाल वापस strong करना पड़ेगा We are not getting a room yet because उन room बन रहा है तो हम club में जाके ready होके shoot शुरू कर लेते हैं Because nothing can stop us now. We've already started and we gotta keep rolling. So we've started the shoot. Say hello. और हम पहली बार on time है on schedule है ये audience को नहीं बोलना
आज हमको रहना ही पड़ेगा, अच्छा हैप्पी भी और स्केड्यूल पे भी। आई एम जेन्युइनली कंजर्विंग माय एनर्जी फॉर दिस शूट, नॉट इवन टॉकिंग अ लॉट बिकॉज इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी टू शूट इन द समर्स। पसीने में ही सब हाइड्रेशन निकल रहा है, it's too hectic. This has to be my favorite outfit. I love how it's looking. This looks so pretty. I love this set also. Look at this set. Look at what Amit is doing. I've not asked for this treatment, then suddenly he feels like I need it because hotel suddenly stopped us from shooting. Okay, so now it's become very, very difficult for creators or anybody to shoot at hotels. हमारा इतना पंगा हो जाता है ना कि हम proper brand भी नहीं है। हर shoot में starting में थोड़ा बहुत problem होता है, last में सब shoot अच्छा हो जाता है। हमेशा कुछ ना कुछ problem होती है, but ठीक है, we always like to look at the bright side of things over here. ऐसे भी काम नहीं कर रहे यार, ऐसे हवा करना पड़ रहा है। और bathroom is also okay, but anyway, we thought they would have a It's very bad. Yeah, the bathroom is very bad over here. There are problems hai bahut ye hotel ki, but mujhe laga they will not create an issue for shooting because we've shot here before and it's never been a problem. But now post pandemic inki policies change hoti rehti hai. So, hum jitna kar sakte hain hum karne wale hain. Idhar jo beach hai udhar kar lenge, property nahi use kar rahe unki, aur raste pe chale jayenge Mud Island ke, wahan kar lenge. We jahan kar sakte karenge, but we'll utilize the money I'm paying for this room. Ye Amit aur Anupriya ka chalu hi rehta hai. A few hours later. हम जा रहे प्रॉपर्टी छोड़ के रस्ते पे चल ले रहा था। अभी लेफ्ट मुझे भी फोटो ही ले रहा था, इतनी मस्त लाइट आ रही है। अमित इधर ही ले यार, पार्किंग में भी नहीं, ये जंगल में जाए क्या? वही तो जा रहे हैं। मल्टीपल हसल ऑन बिकॉज वी आर अपलोडिंग द वीडियो मोबाइल के हॉटस्पॉट से बिकॉज ये स्टूपिड होटल के पास वाईफाई भी नहीं है। इधर 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 अनु लाइट इधर ही कर लो, इधर ही कर लो मस्त। या This has to be my favorite outfit of today. Look at this. Is the jewelry a bit much? Because Lord Amit Day ne kaha tha. Lord Amit Day. Look at that R. Lighting is bomb, guys. मैंने नीचे आके ही बोला था. 6 बजे जो light आएगा ना, पागल हो जाएगा. 1 बजे की light में खाली पिघल रहे थे हम लोग और कोई shots भी अच्छे नहीं आ रहे थे. अभी हम बीच पे भाग रहे हैं बिकॉज वी कांट शूट एट देयर प्रॉपर्टी, तो उनकी प्रॉपर्टी को लग के बीच है, वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो हम उधर कर लेंगे. वाओ ये सन देख क्या. हम आ गए हैं फिफ्थ आउटफिट पे, फिफ्थ नॉक करने थे आज और हम आए फिफ्थ पे. नॉक कर लेते थे हम जैसे भाग रहे थे, एकदम टाइम पे ही थे होटल वाले. आज हम इतने काम किया है ऐसे बोल सकते हैं हम. आज आउटपुट इतना मस्त था ना, शायद आउटफिट अच्छे थे. क्या माइला नाइस इजी दिखता है. इजी है नहीं, है नहीं. Can you see the whole bathroom situation happening over here? Hello, hello. ये देखो नीचे जॉगर्स हैं ना. Guys, शुरू करो. मुझे धोपा है. मैं को मैं I'm done. देखो, खत्म करना. Time waste नहीं करना. तो टाइम पास तू ही करता है, हम नहीं करते. समझ में आ रहा है? जब तक तू स्टार्ट नहीं करेगा वो थोड़ी स्टार्ट करेगा. बाल भीगे सब शैम्पू भीगे भीगे आया ये शॉर्ट शॉर्ट आया शॉर्ट सब बड़े बड़े. एक मिनट चलो The next day. Good morning, you guys. It's the next day. We packed up our shoot at 10 last night, which is very early as per our standards. I was telling Manisha that only. Then it's super early. कभी कभी तो एक दो भी बज जाए, but कल अच्छा था. अभी हम breakfast के लिए जा रहे हैं down 8 in the morning. Yes. So we woken up early because I have places to be. आज इसी भी लग जाएंगे hopefully घर पे. तो have to head home. Cheese and milk today.
After my hotel shoot, I met my parents for some work and then I spontaneously bought a new pair of Fila. This is my first pair of Fila. My mother is out. She's there. मम्मी को जूते चाहिए थे बट मैंने ले ली. मम्मी को कुछ अच्छा नहीं लगता है गाइस, मेरे को फटाफट चीजें अच्छी लग जाती है इसलिए मैं ले लेती हाँ सब है. I'll show you when I get home. मम्मी हम लोग तुम्हारी शॉपिंग के लिए आए थे ना, तुमको कुछ अच्छा ही नहीं लगता है. You didn't take me only to the shop. Your shopping is not getting over. Lies, lies. She tried. She didn't like it. She wants a different this. मुझे तो ऐसे ही randomly अच्छे लग गए. बहुत अच्छे discount पर था. बोलो ना, justify for me. Yeah, it was a discounted price. What she got, I really justify your claims. पापा तो इधर ही जा रहे हैं. मम्मी यार इधर स्मोकर जली में बहुत कुछ मिलता है, बर्गर पास्ता पिज्जा सब कुछ जो मिल चाहिए मिलेगा. माय मदर कॉन्स्टेंटली वांट्स टू डू समथिंग. अभी रेस्टोरेंट में जब तक खाना आ रहा है शी वांट्स टू गो चेक नाइट. आई सेड और यू सेड. आई गिव यू द ऑप्शन बिकॉज़ आई कुड सी द डिसअपॉइंटमेंट इन योर फेस कि मेरे को जूते लेने थे और मेरे को मिला नहीं वाला डिसअपॉइंटमेंट. अभी तुमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो मैं क्या अभी नहीं उनके बना के दो तुमको जूते. कलेक्शन नहीं है उनके पास. हम लोग प्यूमा गए नहीं था और किधर गए, फीला में भी. मुझे एक ट्रेनिंग शूज अच्छे लगे, जिम के लिए आए, मेरे जूते बहुत पुराने हो गए. नाइकी में भी देखते पर मुझे 99% लगता है कि तुमको इधर भी कुछ अच्छा नहीं लगता. सो व्हेन आई टोल्ड यू एनीथिंग. ओह द सेल इन नाइकी. ओ माय गॉड आई टुक फीला ऑलरेडी. ओ शिट यार. वाओ डूड लुक एट दिस वन, सो क्यूट. अभी नहीं बट बाद में लेंगे बाद में. हॉट पिंक है फोसेस. ओह माय गॉड. हाउ इज दिस? वेरी क्यूट. नो इट्स वेरी हार्ड बट ओह माय गॉड दिस इज द क्यूटेस्ट थिंग एवर. मम्मा प्लीज इट्स सो क्यूट बट जस्ट लुक एट दिस. ही नीड्स माय यस मम्मा कोको मेलन तो ही नीड्स ओनली. जस्ट लुक एट दिस. इमेजिन हिम वेयरिंग कोको मेलन नाइट. Just waste money. Slow चल रही हो यार मम्मी. इतना खाने के बाद तो पैर ही नहीं उठते यार. खाने के बाद तुम्हारे पैर नहीं उठते, अभी सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी. क्यों? टेरेस पार्किंग में की हूँ मैंने पार्किंग. गाड़ी नीचे ला, मैं नीचे मिलूंगी तेरे को. मैं तुम्हारी ड्राइवर हूँ. बिल्कुल इज्जत ही नहीं है मेरी लाइफ. यहाँ मिलती मेरा पिकअप पॉइंट. चलो चुपचाप सीढ़ी से. नहीं यार कितने फ्लोर? दो. देखो कैसा चलेगी एक एक सीढ़ी बुड्ढो लोग का जैसा. मैं तो थक गई भाई साहब. आज मेरा ट्रेनिंग हो गया ना. तुम नहीं गए वैसे भी आज सुबह जिम नहीं गई तो हो गया. हम लोग एस क्रॉस लेके आए आज. पूरे पार्किंग में हमारी गाड़ी है. दरवाजा वगैरह खोल के रखने का ना मेरे लिए आने के लिए. मम्मी तुमको क्या लगता है तुम कौन सी किंगडम की क्वीन विक्टोरिया हो? एसीज आर बीइंग इंस्टॉल्ड. Excellent unboxing of my shoes provided by this Mr. Ishan. What you did of my shoes? What is this? What is this? Give Mashi new shoes. Give Mashi shoes. Give Mashi. No, not this. Oh, nice. Very nice. Daikin. How many star rating? This is 3-star. Achha. 1-ton. But this is inverter 3-star, so it's as good as 4-star another brand. इधर install नहीं किया अभी तक. इधर उन लोग compressor का काम कर रहे हैं. अभी भी वो एसी का ही काम चल रहा है. बहुत पैकिंग है तुमका काम. गिव आ आ आ आ गुड. थैंक यू. थैंक यू. उसका झूठा दे रहा है वो तुमको. आई एट नाउ आई कम गिव यू बैक. फजाज लुकिंग एट यू लाइक यू धोखेबाज. नया बच्चा आया तो तुम मेरे को भूल गए. माय फजा आई लव यू मच मच. I was just heading to the gym. I'm getting super late for gym, so I'm just gonna quickly show you all these new pair of Filas that I got. They were on flat 40% off, so I got this for 3,800, which I think is really, really good. I love the color, इसलिए I picked it up. And very comfortable, so they are very lightweight, बहुत हल्के भी है और बहुत pretty दिख रहे हैं. Plus एक बार इसकी lace बांध दी, फिर उसके बाद I can just like slip them in. I'm gonna quickly wear them. Alright, these are what my shoes look like. These are my first pair of Fila shoes. Fadji, you like it? Fadji baby.
These are my new ones. This is what I was using gym के लिए अभी तक. मेरे पुराने Under Armour जो मेरे जीजू ने मेरे लिए साउथ अफ्रीका से लाए थे तो अभी 3 साल पुराने हो गए. पूरी मैंने यूज की है. बट इवन टुडे दे आर गुड एंड वेरी कम्फर्टेबल. आई डोंट थ्रो माई ओल्ड स्पोर्ट्स शूज इफ आई वॉन्ट लाइक अ स्विच अप कलर में तो आई यूज दैट. बट नाउ आई एम गोना यूज दिस टुडे फॉर माय जिम. लेट्स गो. One eternity later. I don't mean to demotivate you all, but I just have like one piece of advice. Do anything you want in life. Aim for the stars. Achieve whatever you want. Don't do a startup. It is so difficult. It's mind-boggling difficult. Kuch na kuch gadbad ho rahi hai. And this time I can't even blame it on Mercury retrograde because wo कल शुरू हुआ है. कल 10th में था, आज 11th में है एज आई एम फिल्मिंग दिस. एंड कल मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड शुरू हुआ है. बट मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स 2 महीने से हो रही है काम में रिलेटेड, नॉट पर्सनली. एसीज आ गए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, इंस्टॉल भी हो गए और काम भी अच्छे से कर रहे हैं. उनको इंजॉय करने का मुझे इतना मौका नहीं मिला, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर देम. आई कैन टेल यू दैट मच. दिस इट्स सुपर सुपर हॉट आउटसाइड एंड Beautiful ACs. I took both Daikin ACs. ये 1.5 ton का है स्टूडियो रूम में एंड 1 ton का मैंने बेडरूम में लगाया है. दोनों इन्वर्टर्स है. ये 4 star का है एनर्जी सेविंग एंड दैट्स 3 star. बट Daikin बिकॉज इट्स इन्वर्टर 4 star इज लाइक अ 5 star इन नॉर्मल एसी स्टैंडर्ड एंड अ 3 star इज लाइक 4 star. एंड या आई थिंक आई गॉट अ गुड डील ऑन दीज ACs. आई स्पेंट अ लॉट ऑन द इंस्टॉलेशन चार्जेस एंड स्टफ बट एंड विच आई विल हैव टू रीस्पेंड बिकॉज आई विल मूव हाउसेज. इट्स ओके, इट्स फाइन. आई नीडेड इट, यू नो, आई डिडंट हैव अ चॉइस. So yeah, Daikin ACs just look so stunning, so pristine, white and clean. Trust me, I can tell you this much, if you're getting turned on by an AC, that means you are an adult now. This is the bedroom 1 ton AC. This one doesn't have any display, which is perfect. Because raat ke time pe mujhe wo light nahi pasand hai ki wo temperature dikhe. Mujhe bilkul light nahi pasand hai. Main ekdam pitch black andhera karke soti hu. I'm completing my cold coffee evening time. Aaj maine itne time baad na dupair ki neend li hai. नैप लिए इसलिए मैं इतनी फ्रेश लग रही हूँ. आई फील लाइक आफ्टरनून नैप्स आर अंडररेटेड. आई रियली स्टॉप्ड टेकिंग देम बट नाउ आई रियलाइज इट्स वैल्यू एंड आई एम सिपिंग ऑन नटखट हेजलनट. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट्स लॉन्च टुमारो. आई रियली होप एवरीथिंग गोज आउट वेल एंड स्मूथली एंड यू गाइस एंजॉय दिस कॉफी. लिंक्स टू ऑफकोर्स आर इम्पल्स कॉफीज आर ऑलवेज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. साथ ही साथ डॉट इन की ये मॉइस्चराइजर का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी. डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट. इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव अ बिग फैट थम्स अप. आई वुड लाइक टू गिव a huge shout out to my beautiful 5 lakh Sara squad. एक इंसान को उठा के क्या थैंक यू बोलू. कल हिट किया और अभी तक मेरे दिमाग को नहीं हिट हो रहा है कि वी आर 5 lakh Sara squad. 5 lakh पीपल मतलब वॉट डूड. लाइक ऐसा लगता है अभी तो 10K सेलिब्रेट कर रही थी एंड आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे वेरी क्लियरली. एंड नाउ माइलस्टोन्स हैव जस्ट हैड अ डिफरेंट मीनिंग. लाइक एवरी माइलस्टोन इज इम्पोर्टेंट टू मी. एवरी वन ऑफ यू इज इम्पोर्टेंट टू मी. आई एम so grateful for this audience and I will never take any of y'all for granted. That is one prime. I think y'all make me and everything that I can do today, I'm able to achieve today and I'm able to even speak so confidently with y'all today is only because of y'all. So thank you so much to my huge Sara squad for this 5 lakh gift. Abhi pata nahi ye video dekh lo tab tak hum kahan pahunche hain. Inshallah we are halfway to a million and very very soon we'll be at 1 million. Manifesting it very strong, working very hard towards that journey. I love you all so so much. If you want to be a part of next video Sara squad shout out, then what you have to do is very simple. Hit the subscribe button, bell icon right next to it, and also leave a comment down below saying hashtag Sara squad and you get a chance to be a part of my next video Sara squad shout out. I will see you guys very soon in another video. Bye guys, love you so much. Mwah.